कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी, क्या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा? क्या आपको अभी तक CSS में डर लगता है, बैक लग जाएगी? क्या पढ़ूं? कोई बात नहीं, अभी जो आपके टाइम कुछ टाइम बचे हैं उसमें आपको मैं सिर्फ 8 क्वेश्चन बताऊंगा, केवल ओनली 8 क्वेश्चन, और मेरी गारंटी है आपके पासिंग मार्क्स आपके ज़रूर आ जाएंगे CSS में। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आपके पास जो भी टाइम बचा है अभी थोड़ा सा टाइम, ठीक है, उसमें सिर्फ 8 क्वेश्चन को इनको आपको पढ़ना है, और 100% गारंटी आप पेपर देके आना और बताना पेपर कैसा हुआ। पहला क्वेश्चन हमारा है आपका एरर 404 डिजिटल हैकिंग पार्ट 1 एंड 2। इसमें दो पार्ट होता है, यानी बोथ पार्ट, एरर 404 डिजिटल हैकिंग का आपको दोनों पार्ट्स पढ़ के जाना, 1 एंड 2, ठीक है। पहला यूनिट 1 में है, दूसरा यूनिट 2 में है, तो दोनों आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और मुश्किल से आप 15 मिनट में इसको आप पढ़ सकते हैं, थ्योरी है, आप इसको पॉइंट करके 3 से 4 पॉइंट याद कर लीजिए दोनों में, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है IDS, जिसे हम कहते हैं इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, क्या है IDS, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है IP सिक्योरिटी एंड ईमेल सिक्योरिटी, क्या है IP सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ये तीनों आपको पढ़ के जाना है। IP सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, ये देखिए पिछली बार आया था, ये भी आया था, ठीक है, यानी जब साइबर सिक्योरिटी हुआ करता था तब, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी तीनों आपको पढ़ के जाना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अदर इशू इन एक्सेस कंट्रोल, यानी एक्सेस कंट्रोल में कौन कौन से अदर इशू भी आते हैं, ठीक है, तो आपको ये पढ़ के जाना है अच्छे से। ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब बात आती है पाँचवा क्वेश्चन कौन सा है। पाँचवा क्वेश्चन हमारा बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम। देखो आपकी जो यूनिट है, दो यूनिट आपकी लगभग सिक्योरिटी से है, तो आपको सिक्योरिटी से कम मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। एक तो बेसिक सिक्योरिटी आ सकता है, एक अदर इश्यू इन एक्सेस कंट्रोल ये पूछ सकता है, और मैं तीसरा मैं बता ही चुका हूँ कि ये जो एक्सेस IP सिक्योरिटी है, ईमेल सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, और एक सिक्योरिटी और है उसमें मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ अभी, एक मिनट, आप इसमें ऐड करना चाहो तो DNS सिक्योरिटी एक है, क्या है DNS सिक्योरिटी, आप चाहो तो उसको ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या DNS सिक्योरिटी, ठीक है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये तीनों तो आपको छोड़ देने, क्या है DNS, ठीक है, DNS सिक्योरिटी आपको ये भी पढ़ सकते हैं। IP सिक्योरिटी, ईमेल सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और DNS सिक्योरिटी, इनसे 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये तो हो गया सिक्योरिटी वाला, एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है, फिर चौथा है सिक्योरिटी वाला, पांचवा है बेसिक सिक्योरिटी प्रॉब्लम। तो सिक्योरिटी से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इनको पढ़ के जाना ही जाना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6 वाला, RSA पब्लिक की क्रिप्टो, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक की RSA पब्लिक की इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और जो है आपको इसको 100% पूरा अच्छे से रिविजिंग करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के लिखना, पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखना है आपको, थ्योरी और निबंध टाइप में नहीं लिखना है आपको, पॉइंट करके लिखना है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिंक लेयर एंड TCP IP कनेक्टिविटी। देखो कनेक्टिविटी से क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, या तो जो है IP कनेक्टिविटी पूछ सकता है, TCP कनेक्टिविटी पूछ सकता है, या लिंक लेयर कनेक्टिविटी पूछ सकता है, तो आपको तीनों को पढ़ के जाना है। कौन कौन सा, एक तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि TCP IP कनेक्टिविटी, और दूसरा लिंक लेयर कनेक्टिविटी, तो आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, हो सकता है दो भी पूछ ले, एक दो नंबर में, एक लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है, तो आपको दोनों इसको पढ़ के जाना है। TCP IP कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात है ब्राउज़र आइसोलेशन, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपको ब्राउज़र आइसोलेशन को आपको पूरा अच्छे से रिमेंबर करके जाना है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी क्वेश्चन मैं बताया हूँ, अगर इसका उसमें फिगर कहीं बनाया हो, कहीं भी अगर इन सारे क्वेश्चन का आर्किटेक्चर या फिगर बनाया है या डायग्राम बनाया है, तो आपको उसको देख लेना है। और मैं बता दूँ, अगर एग्ज़ाम्स में फिगर बना देते हैं, डायग्राम बना देते हैं, आपने थ्योरी भले कम लिखी है, तो आपका 10 में से एक नंबर भी नहीं कटेगा। और कोशिश करिए फिगर जो बनाइए, डायग्राम बनाइए, पेंसिल से बनाइए, पेंसिल कलम से मत बनाइए, क्योंकि गलत होगा तो आप पेंसिल दोबारा उसको मिटा सकते हैं, कलम से बनाएंगे गलत होगा तो काटना पड़ेगा, और एग्जामिनर पेंसिल से ज़्यादा मार्क्स देता है, ठीक है, और उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, पेंसिल से बनाना है, डायग्राम सभी का पढ़ लेना है, और जो भी टाइम आपके बचे हैं जल्द से जल्द इसको प्रिपरेशन करिए, और मैं होप करता हूँ आपके जो है पेपर अच्छे जाएंगे, मार्क्स भी अच्छे आएंगे। कोई डाउट है, देखो आप अगर 40% मार्क्स लेते हो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल लेके, तो आपका एग्रीगेट आप पास हो जाओगे। देखो 30% इंटरनल में पास है, 30% का मैं तो आप फेल हो जाओगे, बट एक्सटर्नल में मिला के 40% होना चाहिए, तो आपको इतना मार्क्स लाना है, जो मैं बता दिया इतना मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे, 40 से कम नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप मांगे चलो इतना पढ़ लो, फिर उसके बाद कोई डाउट हो मुझे कमेंट कर लो, ठीक है, कमेंट कर बताना वीडियो एग्जाम के बाद की वीडियो में हेल्पफुल हुआ कि नहीं हुआ। आज के बस इतना, बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपके एग्जाम्स अच्छे होंगे, आई होप आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे।